दूसरा है हमारा अनियन ऑयल प्याज का तेल। अब इसमें बहुत सारे इंटरनेट पे मेथड्स दिए रहते हैं कि कैसे बनाए भाई, तो जो पॉपुलर मेथड मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर भी किया है, कई वेबसाइट्स पे भी लिखा हुआ है कि ऑनियन का जो पेस्ट बना के आप कोई ऑयल डाल दो, कोकोनट ऑयल डाल दिया, सीसम ऑयल डाल दिया, ये सारा तेल तवे में गर्म करके स्टोर कर लो, उसे आप ऑनियन ऑयल बोल देते हैं। अब इसे बालों में लगाओ तो बाल मजबूत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इसलिए इस तरह से मुश्किल है, इट्स वेरी साइंटिफिकली इट्स नॉट करेक्ट, लाइक कि जो ऑयल होते हैं वो बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो ऑयल होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक ऑयल बोलते हैं जिसको हम, इनमें कुछ अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कोकोनट ऑयल जिसे बोल सकते हैं, ये स्किन की ऊपरी लेयर तक बहुत इफेक्टिव है कि हमारे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए एक्जिमाज या ड्राइनेस में हम इसे रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल लगाएं, क्योंकि ये मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को। अब ये पेनिट्रेशन इसलिए डिफिकल्ट है कि इन्हें बहुत सारे बैरियर से क्रॉस होना पड़ता है। कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसे बहुत सारे स्किन के बैरियर से क्रॉस करना होता है, स्किन के अंदर, डर्मिस के अंदर पेनिट्रेशन इज टू डिफिकल्ट। तो ये भी मुश्किल है कि ये ऑनियन ऑयल जो बोलते हैं वो कैसे वहाँ तक जाता होगा, और वो क्या उसका मैकेनिज्म है, वो जो इतनी गहरे में जो हमारा बालों की जड़ है वहाँ तक वो कैसे पहुँचेगा। तो ये भी एक नॉन साइंटिफिक थिंग है, ये साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है इसके अगेंस्ट कि भाई तेल लगा लिया बालों में, जो बालों की जड़ों में ऑनियन ऑयल वो हमारे बालों की जड़ों तक पहुँचे, वो बालों को मोटा कर दे। ठीक है।